तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू कुमार और आज हम आए हुए हैं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो देख सकते हैं ये दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये न्यू बिल्डिंग बना है वो है, और हम इसका एंट्री जो है वो सब सारा चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हालांकि हमें अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं मिला है, अंदर जाकर हम अंदर का रूम और ये जो जितना चीज़ होता है वो चीज़ तो नहीं दिखा पाएंगे, पर बाहर का जितना व्यवस्था है वो सारा चीज़ आपको हम दिखा पाएंगे। आपको अंदर का सीन दिखाएंगे, ये काली अंदर का सीन, और यहाँ पे ये जाके ये पावरफुल मैन है इसलिए ये दिखा सकते हैं अंदर का सीन। तो हम लोग जा रहे हैं, प्रयास करते हैं, और तब तक कि आप ये सब देख सकते हैं। ये NS 57 है और इसके ये जस्ट मब्बी जो है ना, मब्बी के पास पड़ता है और NS 57 के जस्ट बगल में है ये। हालांकि इधर एंट्री गेट इसका नहीं है, एंट्री गेट आपको इधर से मिलेगा, देख लीजिए रास्ता भी उतना बना नहीं है, एंट्री गेट आपका आगे से आना पड़ा है। ये सब बिल्डिंग है ना उसके उधर से एंट्री गेट है, और ये NS 57 और ये कैंपस हो गया और इधर ये कैंपस हो गया, और आपका जो है उधर वहाँ सत्तर अगर रहिएगा तो वो मेरे हाथ से देखिए ये सत्तर आपको एरोप्लेन उड़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वो दिल्ली मोड़ के उधर वहाँ पे ये एयरपोर्ट है। तो चलते हैं अंदर की ओर। पहले आप लोग ये नोटिस बोर्ड देख लीजिए, नोटिस बोर्ड उधर जो बना है वो, इसको क्या बोला जाता है, नोटिस बोर्ड इधर है, और ले चलते हैं आपको अंदर की ओर। वाओ, बहुत शानदार है हमारे भाई। अरे भाई साहब, यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था है, आप चाहे तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं। लैब टू, ये आप लोग का कॉलेज है, ये यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। यहाँ से NS दिख रहा है, हाँ ओ भाई साहब जा, ये बेसमेंट है, हमको लगा बड़ा वाला होगा जैसा अपना मोतिहारी का था उस तरह से ही है। ऊपर भी जाएंगे बाद में, तब तक ये सब कवर करते हैं हम। जेंट्स टॉयलेट, इधर बॉयज टॉयलेट, इस टॉयलेट का पता क्या है, नहीं है टॉयलेट व्लेट सब आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप उन इंजीनियर हैं और इंजीनियर सब कुछ दिखाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे हम पगड़ी बांधे हुए, देख लीजिए ये सब नहीं दिखाएंगे, नहीं तो आप लोग ही कहिएगा काका चीज देख। हम सोच रहे हैं कि सारा चीज एक ही वीडियो में कवर करते हैं हम, नो एडिट नो कुच। आपको नो एडिट नो झंझट, बस डायरेक्ट इसको अपलोड करें, ये थोड़ा काली को ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, और ये दिखा देते हैं आपको सेमिनार हॉल है, सेमिनार हॉल इधर आपका सेमिनार हॉल सब है, और इधर मेरे ख्याल से क्लास होगा। भाई साहब उधर भी सेमिनार हॉल है, वो भी सेमिनार हॉल है, रुक अच्छा से कवर कर लो ना, कि आप लोग को नया बिल्डिंग की पूरा जानकारी मिल जाए। आप लोग को यहाँ पे हम पूरा नया बिल्डिंग दिखा रहे हैं, हर एक कुछ दिखा रहे हैं, हर एक चीज़ कवर करेंगे हम एक ही वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन मोनू के साथ काली, अभी हालांकि कोई नहीं है, घूमने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हम घूम रहे हैं। ये सब सीन देख सकते हैं, इस तरह का सीन है, चलो तक ऊपर से बच्चे एग्ज़ाम चल रहा है, और यहाँ पे आज एग्ज़ाम चल रहा है स्टेयरकेस
एग्जाम चल रहा है इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो जाकर देखते हैं सब कुछ सेम। लेडीज टॉयलेट है यह, ऑडिटोरियम भी है भाई साहब। ऑडिटोरियम क्या ऑडिटोरियम, आपने देख लिया अंदर का सीन। अब हम बाहर का व्यू दिखाएंगे, देख सकते हैं बड़े यहाँ पे कैंटीन काट दिया हुआ है, कैंटीन बना हुआ था इसको। तो हम लोग बाहर के लिए जा रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ, बाहर का व्यू दिखाएंगे। ये शायद आपको पूरा ये सब घुमाए हैं भाई साहब, हाईलाइटेड यहाँ पे आपको लिफ्ट है ठीक ना। देख सकते हैं बाहर हम लोग निकल रहे हैं, देखिए यहाँ पे NH प्रॉपर NH है, NH के पूरा बगल में है। तो आप न्यू बिल्डिंग देख लिए, अब आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का जो व्यवस्था है, छोटा मोटा जो भी कुछ वो सब दिखाते हैं आपको। देख लो भाई साहब, अगर इंजीनियरिंग करने आओगे तो ऐसा ही रोड पे चलना पड़ेगा। रोड नहीं नहीं नहीं, ऐसा रोड नहीं रहेगा, बन रहा है, कार्य प्रगति पे है, पूरा चीज हम प्रोसेस में है, अच्छा खासा बन रहा है। हाँ ऐसा रोड नहीं मिलेगा, वहाँ पे देख सकते हो। चलिए आगे चल के हम दिखाते हैं बन रहा है, उनको बोल के सब काम करवा रहे हैं अभी। काम शायद प्रगति पे है, देख सकते हैं नाली उली सब है। कथी है जूनियर इंजीनियर यहाँ का, हम ही है। हाँ मेन संचालक यही है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर, जो भी मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको दिवाली में उसको उड़ा सकते हैं फ्री है। और ये मैकेनिकल वाले का और ये सिविल वाले का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का कहने चल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हवा में चला गया सब। भाई बुरा नहीं मानना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कैंटीन की भी सुविधा है, देख सकते हो वो उधर से जाकर उधर जो रास्ता गया है वहाँ से भी जा सकते हो। और ये लग रहा है कि पुराना वाला है, और वहाँ पे देख सकते हो बन रहा है बिल्डिंग, और मेरे ख्याल से वो बच्चा लोग जो निहा रहा है, बच्चा लोग नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हम बच्चा कह रहे हैं। वहाँ जेसीबी की खुदाई हो रही है यहाँ पे बालू। आप लोग क्या जेसीबी का खुदाई देखना पसंद करेंगे, हम लोग की खुदाई दिखाएं आपको। आप लोग जल्दी कर कमेंट करिए, वहाँ एंट्री गेट वहीं पे है, हम लोग को वहीं से एंट्री मिला है। और वहाँ पे चल के हम लोग पता करते कि वो आखिर बन क्या रहा। मेरे ख्याल से वहाँ तो ये कॉलेज बन चुका है, और मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये हॉस्टल ही बन रहा है, क्योंकि JCB की खुदाई होने के बाद एक हॉस्टल ही बन सकता है। और यहाँ पे रूम ना आना, आगे चल के दिखा देते हैं। अब मेरे ख्याल से वो जो है ना, वो शिक्षक ये सब का रहने वाला रूम ये सब है मेरे ख्याल से, मे भी हो सकता है, मुझे उतना जानकारी नहीं है। और ये जो है ये लग रहा है कि पुराना जो सबसे पहले यही इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता होगा, सबसे पुराना वाला। तो हम चाहेंगे कि पुराने डिज़ाइन को दिखाना जाए। हाँ सिविल इंजीनियरिंग विभाग वहाँ पे है, और ये आगे वहाँ पे हाँ दिखाए हैं। तो थोड़ा बहुत आप ये आर्किटेक्ट देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है, मनोभावक सीन है यहाँ का दृश्य मनोभावक है। वहाँ पे कोई गार्ड साहब उनको देख रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ के आदमी सब आ गया, और यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। वहाँ पे सिविल विभाग है, मेरा कार्यालय इसी में है, मेरा कार्यालय इसी में है। ये काली का कार्यालय है, अब वो जाएगा अपने ऑफिस में बैठने के लिए। और यहाँ पे कितने फ्लोर का, 1 2 3 फोर्थ फ्लोर का शायद बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे, हम लोग जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। देर हो रहा है पटना के लिए, लोग ना यहाँ के सीन दिखा देते हैं हम लोग, इधर देख
ओ भाई साहब उनने कौन कौन यथी, अरे वहाँ पे कथी लिखल है, चल चल देखते हैं। चलिए जब देख लिए तो वो अभी जाकर आप लोगों को दिखा देते हैं, उनसे बात करते, किसी से पूछते कि क्या चीज़ बन रहा है। टीचर आवास है वो, ये टीचर आवास है, शिक्षक गण रहते हैं, टीचर रहते हैं यहाँ पे, शिक्षक गण वहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल है। तो हम लोग आगे चलते हैं अपने बाइक। और यहाँ पे बगल में ही शायद ये मतलब कि स्टूडेंट के लिए बन रहा है हॉस्टल, मेरे ख्याल से मे भी हो सकता है। यहाँ पे एक हॉस्टल है और यहाँ पे एक हॉस्टल है, दो हॉस्टल है, क्वार्टर क्वार्टर लिखा हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग को थोड़ा लेट हो रही है, नहीं तो ऐसे आप लोग को मैंने सब कुछ कवर करके दिखा ही दिया। और देख सकते हैं यहाँ पे काम ये सब कैसे होता है। किसना कुछ से बात करेगा यहाँ, किसी से बात करें तो हम लोग बात करने के फेरा में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग इंजीनियर है और इंजीनियर देख कर ही समझ जाता है सब कुछ, उसे समझाने की किसी के समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ना चलते बाहर, किस तरह से जाएंगे वो भी दिखाते हैं। तो हम लोग अब बाहर निकलने वाले हैं, बाइक हमारे हम लोग वहाँ पे खड़ी है, वो चलते हैं। तो फिर चले लिए वहाँ पे गाड़ी ये सब बैठा हुआ है। अरे यार वीडियो वाला रिकॉर्डिंग है ना, बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपका ये हो गया NH, ये NH और जस्ट NH के बगल में ही ये है इंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा। और ये इस तरह से वहाँ पे है मेन। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का घंटा है उसे ऑन कर ले। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।